बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पोर के कब्रिस्तान के गोरकन के ऐसे सच्चे वाकयात बताने जा रहे हैं कि जिनका वो चश्मदीद गवाह है। नाज़रीन, एक शख्स ने उस गोरकन से मुलाकात की और उसने पूछा कि तुम इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या तुमने कुछ ऐसे वाकयात का मुशाहदा किया है कि जिनसे तुम्हें बहुत ज्यादा खौफ आया हो, या कुछ ऐसे वाकयात हों कि जिनको सुनकर किसी को इबरत हासिल हो सके? तो नाज़रीन, उस कब्रिस्तान के गोरकन ने कुछ ऐसी इंकशाफात किए हैं कि जिनको सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह की और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि मैं लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में अपने अजीजों और अकारब की कब्रों पर अक्सर जाया करता हूँ, फातह खानी करता हूँ। कब्रों पर सफाई और इनकी देखभाल के लिए एक नेक दिल आदमी शौकत ठेकेदार से मुलाकात रहती है। एक दिन इनसे गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने बताया कि वो जद्दी पुश्ती इस काम से वाबस्ता हैं और रात को कब्रिस्तान में ही सोते हैं। मैंने जब इससे पूछा कि आपको रात में कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ नहीं आता, इसने जवाब दिया कि हम आदी हो गए हैं। और खौफ किस चीज़ का? मैंने इससे पूछा कि इतने अरसा से कब्रें खोद रहे हो और ये तुम्हारा अबाई काम है, इस हवाले से कोई वाकया और कोई बात सुनाओ। इसने कहा कि ऐसे बहुत से वाकयात हैं कि जिनको देखकर हमारी आंखें फटी रह गईं। इसने कहा कि मेरे बुजुर्ग भी बताया करते थे और मैंने भी महसूस किया है कि जब कोई बहुत नेक और अल्लाह वाली शख्सियत आती है तो हमें कब्र खोदते वक्त कोई जिस्मानी मेहनत नहीं करना पड़ती, जमीन बड़ी आसानी से खुद जाती है, जमीन में से अक्सर खुशबू आती है। जब कोई गुनाहगार आता है तो जमीन बड़ी मुश्किल से खुदती है और बड़ी जिस्मानी मेहनत करना पड़ती है। बास कब्रें ऐसी हैं कि हमें दिन की रोशनी में भी कब्र के पास से गुजरते हुए दहशत और खौफ का एहसास होता है। अपना नाकाबले फरामोश वाकया सुनाते हुए इसने बताया कि चंद साल पहले रमजानुल मुबारक की एक मुबारक रात को सिर्फ चंद लोग एक जनाजा लेकर आए, दफन करके चले गए। इसके बाद काफी अरसा तक इस कब्र पर फातह खानी के लिए कोई नहीं आया। कब्र कच्ची थी, बारिशों की वजह से बिल्कुल शिकस्ता हाल हो चुकी थी। एक रोज मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई आता भी नहीं है, कब्र भी कच्ची है, इसको मस्मार कर दूंगा और इसकी जगह किसी और को दफन कर दूंगा। इसी जज्बा के तहत जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा कि वो एक औरत की कब्र है। कब्र में से इंतहाई खुशगवार खुशबू का झोंका निकला। इस औरत की लाश बिल्कुल ताजा थी, जैसे अभी अभी दफन किया हो। मैंने जल्दी से कब्र को बंद किया और इस कब्र की हालत दुरुस्त की। अब भी वो कब्र मौजूद है और मैं अक्सर गुजरता हुआ इस कब्र पर फातह खानी करता हूँ। वो शख्स बताता है कि एक रोज मैं हसना मामूल कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि इसी औरत की कब्र पर एक बड़ा सूट बूट पहने बाऊ आदमी सर पर फ्लैट हैट पहने हुए कब्र पर फातह खानी कर रहा है। कब्र पर फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। मैं इस कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। जब वो आदमी फातह खानी से फारग हुआ तो मैंने इसे सलाम किया और पूछा, भाई ये किसकी कब्र है? क्योंकि इस कब्र पर कोई नहीं आता, आज मैंने पहली मर्तबा किसी को इस कब्र पर फातह खानी करते हुए देखा है। इस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी बीवी की कब्र है, चूंकि मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ इसी वजह से इस कब्र पर नहीं आ सकता, आज कल मैं यहाँ आया हूँ तो फातह खानी के लिए आ गया। मैंने इसको सारी बात बताई और पूछा कि इसने कौन सा ऐसा अमल किया था कि जिसकी वजह से इसका कफन भी मैला नहीं हुआ और कब्र नूर और खुशबू से भरी हुई है। इस आदमी ने जब ये बात सुनी तो जारो कतार रोना शुरू कर दिया। इसने जो कहानी सुनाई इसके मुताबिक वो शख्स बयान करता है कि मैं जवानी में तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चला गया, वहाँ तालीम मुकम्मल कर ली, मुलाजमत भी शुरू कर दी। जब मैं पाकिस्तान अपने वालदैन से मिलने आता तो मेरे वालदैन मुझ पर जोर देते कि शादी कर लो, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही तुम्हारी खाला के यहाँ तय हुई है, वो तकाजा कर रहे हैं। मैं हर दफा इनकार कर देता। एक दफा जब मैं यूरोप से पाकिस्तान आया तो वालदैन ने कहा कि इस दफा तुमने शादी ना की तो हमारा और तुम्हारा वास्ता नहीं रहेगा। वालदैन ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे शादी करना पड़ी। मैं वालदैन को समझाता रहा कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है।
लेकिन वालदैन ने मेरी शादी कर दी। शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं तुम्हारे फराइज सरंजाम नहीं दे सकता, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो शादी कर सकती हो। इसने कहा कि अगर यही मेरी किस्मत में था तो मैं इस पर राजी हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ। इस्लाम ने जो बीवी को इसके शोहर के लिए मजाजी खुदा का तसव्वुर दिया है इसने पूरा कर दिखाया। इसने मेरे साथ बहुत तावन किया, पाक दामनी, इबादत गुजारी, गरीबों के काम आना और फलाही कामों में सबसे आगे रहती। ये वो तमाम खूबियाँ थी जिसका अल्लाह ताला ने इसे इनाम दिया। इस दुनिया में भी वो सरखरू हुई और उस दुनिया में भी। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे। इसके अलावा इसने बताया कि ये दुनिया वाकई एक खेती है, जहाँ जो बोओगे आखिरत में वही पाओगे। अब तो हमें इतना तजर्बा हो गया है कि मैयत को देखकर अंदाजा लग जाता है कि इसने जिंदगी कैसी गुजारी है। तो नाज़रीन, इस वाक्य से हमें बहुत बड़ी इबरत हासिल हुई है कि जिस तरह की जिंदगी इंसान दुनिया में गुजारता है, अगर फलाही कामों में गुजारता है, दूसरों के काम आने में गुजारता है, अपने रिश्तों को निभाने में गुजारता है, उसी तरह के वाकयात इंसान के साथ कब्र में पेश आते हैं, उसी तरह के वाकयात उसके साथ जो है वो आखिरत के दिन भी पेश आएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का सच्चा वाकया जो हमने आपके गोश गुजार किया है आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने